तो हे गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर में बात करने वाले हैं कि दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि एक नया एप्लीकेशन के अंदर में लोन लेने का, तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए एक नया बेहतरीन एप्लीकेशन लाया हूं। उस एप्लीकेशन के अंदर में आप लोग आसान तरीका से लोन का प्रोसेस को कम्प्लीट करके लोन ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस टाइम में यहाँ पर किसी के भी हाथ में पैसे नहीं रहता है और वो चाहता है कि मैं अपने घर बैठे मोबाइल फ़ोन से लोन अप्लाई करके लेना, तो किस तरीका से लूँ और कौन सा एप्लीकेशन में लूँ। तो दोस्तों आइए, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए एक नया ऐप लेकर आया हूँ। उस ऐप के अंदर में कैसे आप यहाँ पे लोन अप्लाई करके ले सकते हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए एक एप्लीकेशन लेकर आया हूँ। उस एप्लीकेशन के अंदर में आप इजी कंप्लीट को प्रोसेस को कंप्लीट करके यहाँ पे लोन ले सकते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसा ऐसा आएगा, इमरजेंसी लोन फॉर क्लिक, उसी तरीका से कुछ ऐसा आएगा, उसी तरीका से देख सकते हैं कुछ ऐसा भी आ सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं लोन कितना लेना है वो सिलेक्ट कर लेना है, कितना दिनों के लिए लेना है यहाँ पे देख सकते हैं। जिस अकाउंट में आपको लोन लेना है वो लोन को यहाँ पे बैंक का डिटेल डालना है। जैसे आपका लोन अप्रूवल होता है, फिनिश होता है, डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस एप्लीकेशन के अंदर में लोन जो लेता है उससे पहले मैं आप लोग को लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कि ये सही में ये लोन देता है या नहीं देता है। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं, अपने प्ले स्टोर के अंदर में आइएगा, स्क्रॉल ऊपर कीजिएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है रेटिंग एंड व्यूअर्स, इस पर क्लिक करके इसके अंदर में आपको सबसे पहले पढ़ लेना है कि किसका कैसा कमेंट आया हुआ है, वो क्या कह रहा है, उसका कमेंट को पढ़ लेना है। उसके बाद आपको अपने यहाँ पे लोन को प्रोसेस को कम्प्लीट करना है। तो चलिए दोस्तों, इस एप्लीकेशन को मैं डायरेक्ट ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद फाइनली आपको कुछ देर वेट कर लेना है। वेट करने के बाद सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं अलाउ का कर दिया हूँ। अलाउ करने के बाद कुछ ऐसा आ चुका है। ऐसा आने के बाद सबसे पहले अपना फुल नाम लिख लेना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं फुल नाम लिख लिया। उसके बाद एक मोबाइल नंबर डालना है, पैन नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पे अपने एरिया का सिटी कोड डालना है। उसके बाद मंथली इनकम, आप कितने मंथली कमाते हैं वो आपको लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंटर लोन अमाउंट, आपको लोन कितना चाहिए वो लोन को यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है सेलेक्ट पर्पस ऑफ लोन, ये जो आप लोन ले रहे हैं किस पर्पस से ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, किस रीज़न के कारण आपके पास यहाँ पे लेना है, वो रीज़न को यहाँ पे देना है। पर्पस से यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे ट्रेवल, मेडिकल, एकेडमिक, उसी तरीके का फेस्टिवल, परचेज, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ टिक कर लेना है और साइन इन पे क्लिक कर लेना है। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं मैं सारी डिटेल्स को फिलअप कर दी, यहाँ टिक करके यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर लेना है। चलिए गाइस, यहाँ पे मैं सारी डिटेल्स को मैं फिलअप कर लिया, उसके बाद यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर लेता हूँ। सो दोस्तों, ये सारी डिटेल्स को फिलअप करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है फर्स्ट नाम, उसका फुल नाम लिख लेना है, मोबाइल नंबर लिखना है, अल्टर मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी, पैन नंबर, उसके बाद जेंडर को सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, स्टेट आपका कौन सा है वो आपको लिखना है, अपना सिटी लिखना है, आपको अपने एरिया का पिन कोड लिख लेना है, लोन आपको कितना लेना है, लोन आपको जितना लेना है वो आपको लिख लेना है, आप महीना में कितना कमाते हैं वो सैलरी आपको लिख लेना है, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। सो दोस्तों, सारी चीज़ को मैं फिलअप कर दिया हूँ, यहाँ पे अप्लाई पे मैं क्लिक कर देता हूँ। चलिए गाइस, अप्लाई पे मैं क्लिक कर दिया हूँ। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं थैंक यू का एक ऑप्शन आ गया, यहाँ पे गो होम पेज पे आ जाना है। उसके बाद गाइस, आप करना क्या, वेट कर लेना है। चलिए गाइस, वेट कर लिया। वेट करने के बाद यहाँ पे साइन इन करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे शेल राइड है तो यस, अगर नहीं है तो नो करना है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स को यहाँ पे फिलअप कर लेना है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी डिटेल्स को यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फाइनल जिस तरीका से मैं आप लोग को बताया हूँ ये देख सकते हैं, ये आपको सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद आगे का जो आएगा यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आधार कार्ड के आगे का फ़ोटो अपलोड कर लेना है, आधार कार्ड के पीछे का फ़ोटो अपलोड कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पैन कार्ड को भी अपलोड कर लेना है। पैन कार्ड को अपलोड करने के बाद अपने बैंक का स्टेटमेंट, जिस अकाउंट में आप लोन लेना चाहते हैं, जो आपके पास एक्टिव अकाउंट है वो अकाउंट का स्टेटमेंट ले लेना है। बैंक में जाकर चाहे अपने मोबाइल से स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेना पीडीएफ में, उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद दोस्तों, कहीं जहाँ जॉब करते हैं, जहाँ काम करते हैं, वहाँ का सैलरी स्लिप होगा, वो सैलरी स्लिप का भी फ़ोटो क्लिक करके यहाँ अपलोड कर देना है। उसके बाद जिसके नाम से आप लोन अप्लाई कर रहे हैं उसको यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटो को यहाँ पे अपलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है।
जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं रजिस्टर्ड होगा। रजिस्टर होने के बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना है, जिसमें आपको अपना फर्स्ट नाम, मिडिल नाम, लास्ट नाम, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सारी डिटेल्स को फिलअप कर लेना है। सारी डिटेल्स को फिलअप जैसे करते हैं तो नेक्स्ट कीजिएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई लोन आएगा, जिसमें आपको यहाँ पे देख सकते हैं पूछेगा आपको लोन किस में यहाँ पे मिलता है, जो जहाँ काम करते हैं तो काम करते हैं तो बैंक में मिलता है या कैश मिलता है, वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ ईएमआई अदर लोन, आपको लोन कितना लेना है यहाँ पे वो आपको लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे कितने महीने के लिए लेना है वो महीना लिख लेना है। उसके बाद केवाईसी कर लेना है। केवाईसी करने के बाद गाइस यहाँ पे जिस अकाउंट में लोन लेना चाहते हैं उस अकाउंट का बैंक आईएफएससी कोड डालना है, बैंक का नाम डालना है, ब्रांच का नाम डालना है, बेनिफिशियरी का नाम जिसके नाम से लोन ले रहे हैं उसका नाम डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, कन्फर्म अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट टाइप में आपका सेविंग अकाउंट है या करेंट है या ओवरड्राफ्ट। तो दोस्तों अक्सर बंदे का देखता हूँ सेविंग रहता है, तो सेविंग पे टिक करके फाइनल कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको फिनिश करना है, सारी डिटेल्स को फिलअप करके फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद जैसे अगर आपका लोन अप्रूवल होता है डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यही एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है फंड्स मामा इंस्टेंट लोन ऐप। ये बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है जिसके अंदर में अपने कस्टमर को लोन अप्लाई करने का फुल प्रोसेस बताता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी डिटेल्स अपने हिसाब से पढ़ लेना है। अगर दोस्तों मैं आप लोग को अपने हिसाब से पढ़ाऊँगा बताऊँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे 10,000 से लेके 2,00,000 तक का लोन ले सकते हैं। 2% प्रोसेसिंग फी लगेगा, जीएसटी और अदर प्रोसेसिंग फी लगा के 18%। और दोस्तों आपको यहाँ पे जो ब्याज लगेगा आपको 35% आपको इस एप्लीकेशन में ब्याज लगने वाला है। तो ये एप्लीकेशन है जिसका नाम फंड्स मामा, ये प्ले स्टोर के अंदर में आइए और डाउनलोड करेगा, इंस्टॉल करेगा और यहाँ पर आइएगा और यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इस एप्लीकेशन के अंदर में आसान तरीका से लोन अप्लाई करके ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज का वीडियो से आप संतुष्ट हो गए होंगे कि एक नया एप्लीकेशन के अंदर में किस तरीका से लोन अप्लाई करके लिया जाता है। तो दोस्तों आप लोग इसी तरीका से नए एप्लीकेशन के अंदर में लोन अप्लाई करके ले सकते हैं। और दोस्तों जब भी आप एप्लीकेशन के अंदर में लोन लेंगे तो आपको एक्टिव अकाउंट होनी चाहिए और आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक भी अनिवार्य है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर किसी भी एप्लीकेशन के अंदर में लोन अप्लाई करते हैं तो दोस्तों आपको मोबाइल नंबर मांगता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आप संतुष्ट होंगे। तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दें ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं और फिर कुछ नए सीख सकते हैं। और दोस्तों जब भी अगर आपको चाहिए, अगर किसी भी एप्लीकेशन के बारे में अगर आपको पता है कि इस एप्लीकेशन में लोन अप्लाई किया जाता है बट नहीं आता है, तो आप लोग मुझे कमेंट करना कि भैया इस एप्लीकेशन के बारे में आप बताइए कि इस एप्लीकेशन से लोन कैसे लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, जब तक थैंक यू।